हाँ जी बेटा, पावर शेयरिंग चैप्टर, टू स्टोरीज। फर्स्ट इज बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका। अब सबसे पहले आपको बेल्जियम के ईयर और श्रीलंका के ईयर याद होंगे तो ही आप कोई भी इवेंट्स आपको आए तो आप उनको क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है जो क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, देन यू विल बी एबल टू रीअरेंज देम। ठीक है, अब परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले बेल्जियम का जो क्वेश्चन है, हाँ जी सूर्यांश, बेल्जियम का जो क्वेश्चन है इसमें आपको मेन परसेंटेज याद करनी है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 59%। अब आप टोटल जो है परसेंटेज जो है वो अपने माइंड में रखोगे कि 59% टोटल अगर कंट्री की बात करें, राघव अरोड़ा से प्रॉपरली बटन, कंट्री की बात करें, पूरी कंट्री की बात करें तो 59% लोगों की लैंग्वेज जो थी वो थी डच। ठीक है, अब आप इनको एरिया याद रखना है, इनका एरिया कौन सा था, फ्लेमिश, FLEMISH, फ्लेमिश एरिया। अब आपको ये पता है कि अगर पूरी कंट्री की बात करें तो 59% जो लोग थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, डच, और उनका एरिया क्या था, फ्लेमिश। ठीक है, सेकंड अब आपको सेकंड परसेंटेज याद रखनी है 40%, वेलोनिया, WALONIA, वेलोनिया, और वेलोनिया में जो लोग रहते थे इनकी मेन लैंग्वेज जो थी फ्रेंच। फ्रेंच के साथ नोट करो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्यों, क्योंकि 59 ऑब्वियसली मेजोरिटी हुई और 40% जो है माइनॉरिटी। कौन होते हैं माइनॉरिटी, जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंट्री में कम होता है उनको माइनॉरिटी कहा जाता है, और 1% की वेलोनिया एरिया। ठीक है, 1% जर्मन, 1% यानी कि जर्मन की तो परसेंटेज बहुत ही कम थी, तो टोटल बेल्जियम की बात करें, ठीक है, परसेंटेज ऐसे याद रखनी है। अब जैसे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, ऐसे ही बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल। इंडिया और दिल्ली दोनों में अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो, कैसे हो सकता है, पूरे इंडिया में मे बी हिंदू मेजोरिटी में हो लेकिन हो सकता है दिल्ली में हिंदू माइनॉरिटी में हो, ऐसे ही बेल्जियम का हमने याद रखना है कि बेल्जियम में ऑपोजिट थी, उसमें रेशो क्या थी, 80 और 20। अब जब आप ब्रसल का लिखोगे तो ब्रसल का मेन आपने बताना है 80% फ्रेंच एंड 20% डच। अब क्या हो गया, जो कंट्री में मेजोरिटी थी, जिनकी मेजोरिटी कंट्री में थी डच थे, ये अब यहाँ पे आके सिर्फ 20% है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनॉरिटी। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनमें से रिच एंड पावरफुल कौन थे, फ्रेंच। तो ये आपको वन मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है कि दोनों कम्युनिटीज में से रिलेटिवली रिच कम्युनिटीज, मत करो बच्चे सैनिटाइजर का भी यूज मत करो, आप कर चुके हो पहले, छोड़ दो उसको। हाँ जी, माइनॉरिटी दोनों कम्युनिटीज की बात करें तो दोनों में से जो फ्रेंच थे देवर रिच, ये दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम अमंग देम, ये उनके बीच में प्रॉब्लम थी। क्यों, जब किसी कंट्री में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो है रिलेटिवली रिच और पुअर होती हैं तो दोनों ही कम्युनिटीज जो हैं वो इक्वल राइट्स की डिमांड करती हैं, इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिसोर्सेज, और ऐसे में कंट्री में टेंशन जो है वो होने लगी। तो ये अल्टीमेटली आपको परसेंटेज प्रॉपर याद होनी चाहिए। अब अगर याद करें तो आपने ये मेन बताना है कि इनकी टेंशन के ईयर कौन से थे, टेंशन के ईयर मतलब कौन से पर्टिकुलर ईयर्स में इनके बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है एक्यूट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो वो ईयर्स हैं 1950 टू 1960। कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है, सीरीज ऑफ ईयर्स है, 1950 टू 1960 से लेकर 1960 तक टेंशन इमर्ज अमंग ऑल द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लेकिन उसके बाद भी टेंशन सॉल्व नहीं हुई। देन 60 से 70 भी हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया गया लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई। फिर आपको ईयर याद रखने हैं, कौन से ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, 1970, ग्रुप याद रखो कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं था, 1970 टू 1993, यानी कि कंजेक्टिव कॉन्टिन्यू ईयर्स में, इन पर्टिकुलर ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times, कितनी बार याद जो है वो चेंज किया, 4 times। ऐसी फिगर आपकी जो है ना, जितनी भी डाटा है मैथमेटिकल जो फिगर होती है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ईयर टेंशन के ईयर्स कौन से थे, उसके बाद अमेंडमेंट ईयर्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज किया, ये आपको किसी भी तरह से वन मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब जब चेंज किया गया तो चेंज करने का बेल्जियन मॉडल की बेस्ट इंप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कैसे इस कंट्री में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। नंबर वन, अर्लियर दिस कंट्री वॉज नॉट फेडरल बट नाउ दिस कंट्री वॉज मेड एज फेडरल।
जब किसी कंट्री को फेडरल बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। नंबर वन चेंज क्या किया गया, चेंज करके उसको फेडरल करेंगे ना एंड में। नंबर वन चेंज क्या किया, सम पावर्स वर टेकन फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। नंबर टू, सेकेंड क्या किया गया, सेकेंड इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी इन द पार्लियामेंट। जैसे अगर हम कहें ना हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, लोकसभा है, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 545। सपोज अगर हमारी कंट्री में दो ही कम्युनिटीज होती हैं, दो ही रिलीजन होते, तो हम क्या करते, 545 डिवाइड बाय 2, जितना सीट्स आती वो सीट्स दोनों कम्युनिटीज को बराबर बराबर बांट दी जाती। पर ऐसा है ही नहीं है, हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री क्या है, मल्टी रीजनल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी लिंगुअल। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वहां पे मेन लैंग्वेज की प्रॉब्लम एक्यूट थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। इक्वल नंबर का मतलब है पार्लियामेंट में जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी ना, तो जितनी फ्रेंच की है उतनी डच की, चाहे किसी का नंबर कम है ज्यादा है, तो दोनों ही खुश हो गए, फ्रेंच भी खुश हो गए और डच भी खुश हो गए। इवन अब ब्रसल में तो टोटली उल्टा था, ब्रसल में तो रेशो क्या थी, 80 एंड 20, ब्रसल में भी सेम कर दिया गया। अब आप खुद सोचो कि जो 20 वाले थे उनको परसेंटेज 50-50 मिल गई, 50-50 का मतलब था नंबर ऑफ सीट्स। ब्रसल जैसे हम कहें ना दिल्ली की जो गवर्नमेंट, ऐसे ही ब्रसल की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वॉज कंसिडर्ड इक्वल। इक्वल का मतलब होता है जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे। इसका मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी थी वो ब्रसल में मेजॉरिटी थी, और इसलिए उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये जो बेस्ट मेथड अडॉप्ट किया गया, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड, एकोमोडेशन पार्ट। कौन सा मेथड, एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, सपोज आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेट का मतलब होता है कैसे सॉल्व करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट कर लिया गया, म्यूचुअल लेवल पे सॉल्व कर लिया गया, इसीलिए बेल्जियम का जो पाथ है इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पाथ। और क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ब्रसल जो है, ब्रसल के लिए सेपरेट गवर्नमेंट लगा दी, ब्रसल अपने आप फेडरल जो है वो सिस्टम में आ गया। फर्स्ट गवर्नमेंट होगी सेंटर गवर्नमेंट, सेकेंड हो गई, सेकेंड कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट जो ब्रसल की है, सपोज कैपिटल की है, या बेल्जियम को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। देन थर्ड क्या इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसमें एक अपनी उनकी अलग से इलेक्शंस होंगे। इन इलेक्शंस में क्या होगा, फ्रेंच विल वोट फॉर फ्रेंच, डच विल वोट फॉर डच, एंड 1% जर्मन विल वोट फॉर जर्मन। अब इनकी जो गवर्नमेंट बनेगी ना, ये होगी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट में उनके तीन इश्यूज, एजुकेशन, कल्चरल, उनके कोई भी रिलेटेड इशू है, एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, कोई भी कल्चरल इशू है, या किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज के रिलेटेड इशूज हैं, इन इशूज के रिगार्डिंग लॉ बनाने का राइट किसको दिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, अपनी लिंग्विस्टिक जो भी उनकी प्रायोरिटीज हैं, जो भी उनको डिमांड्स हैं, उनको जो है वो अब सासा जो है वो कंप्लीट करें। तो इन दिस वे वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस एकोमोडेशन, बेल्जियम पाथ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मॉडल अमंग द वर्ल्ड। कैसे कंट्री में लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया, और राइट्स वगैरह या सिविल वॉर या लोगों में जो भी प्रॉब्लम थी, वट एवर किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, उनको अकोमोडेट कर लिया। तो ये मेन जो स्टोरी है, दैट इज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में है पार्टी, पार्टी सिस्टम में मेजोरिटी यूएस, यूके है, यूएस है, टू पार्टी सिस्टम। मेजोरिटी हो जैसे भी हो, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी है, सीट्स उतनी फिक्स रहेंगे। जैसे हम कहते हैं विमेन 33% सीट्स, 33% सीट्स विमेन को रिजर्व भी कर दी। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो सकता है ना, वो तो उनके ऊपर है कौन सी पार्टी ज्वाइन करती। मतलब आपको तो इतना मेन याद रखना है कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि मिनिस्टर इक्वल होंगे, ये नहीं है कि सारे पार्लियामेंट में एक ही लैंग्वेज से मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर्स की जो है परसेंटेज को फिक्स करती है। ठीक है, एनी डाउट। नेक्स्ट इज श्रीलंका। अब इसमें आपने याद रखना है मेन परसेंट, दिलप्रीत स्टैंड अप, टेल मी अबाउट द परसेंटेज ऑफ श्रीलंका। पॉपुलेशन जो थी, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी, स्टैंड अप।
स्टैंड अप उसको सूर्यांश को मत पूछो, आपको पता है बच्चे। हाँ कभी आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो देख रहे हो कि एज यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग। हाँ जी आपको नहीं ना आता फिर इसलिए कह रही हूँ, सुन लो अच्छी तरह से, पीछे मत देखो बार बार, बैठ जाओ। सबसे पहले श्रीलंका, श्रीलंका आइलैंड नेशन, श्रीलंका को एक आइलैंड नेशन कहते हैं। आइलैंड, आइलैंड इज द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइलैंड नेशन। व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस विनीत, स्टैंड अप, व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, बैठ जाओ। When our country got freedom 1947, exact after one year, ऐसे याद रखो 1948, जैसे इस कंट्री में इंडिपेंडेंस जो है वो हुई, इस कंट्री में उस टाइम पीरियड में मेन लिंग्विस्टिक जो ग्रुप था सिन्हालाज, ठीक है, सिन्हाली लैंग्वेज थी सिन्हाला, एंड लोग हैं उनको बोलते हैं सिन्हालीज। तो सिन्हाला जो लैंग्वेज थी वो मेन श्रीलंका में बोली जाती थी, और जो सिन्हालीज थे इनका मेन हांजी रिलीजन क्या था, सिन्हालीज का, उसको पूछा आप क्यों आंसर देते। कभी ऐसे होता ना जिनको पता क्या होता है, दो तीन बच्चों को आंसर आता है इमीडिएटली बोलते हैं, जिसको खड़ा किया उसको आंसर बोलने दो, अगर आपको आता है तो ठीक है। ऐसे पता क्या होता है उनको होगा कि हाँ जी मेरे फ्रेंड्स हैं आंसर देने के लिए, प्लीज कीप सिटिंग। हाँ जी सिन्हालीज जो थे ना उनका बच्चा रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट, बैठ जाओ, बुद्धिस्ट। तो ऑटोमेटिकली आप ये सोचो कि श्रीलंका में जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिंग्विस्टिक ग्रुप ज्यादा होगा वो अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे। एंड श्रीलंका में इलेक्शंस करवाए गए, इन इलेक्शंस में सिन्हालीज दे वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एंड दे डिक्लेयर्ड देयर मेजॉरिटी। अब जैसी कंट्री, जिस कंट्री में एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो फिर क्या करते हैं, अपने सेल्फिश मोटिव्स जो हैं वो उन मोटिव्स के अकॉर्डिंग लॉज बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव, और बलजिंदर This Sinhalese government after 1948, whether it was democratically or not, elections हुए थे या नहीं हुए थे, हुए थे तो हम यही कहेंगे कि elections were conducted, बैठ जाओ। People voted for Sinhalas, even Tamil ने भी Sinhalas को vote किया होगा, लेकिन Tamils ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब ये government में आएंगे तो ये अपनी language को promote करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है वेदर इट वाज डेमोक्रेटिक बिकॉज डेमोक्रेटिक वे से ही आई थी ना, ये कोई डिक्टेटर थोड़ी थी ना, ये मोनार्की थी, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी और लोगों ने चाहे, तमिल्स ने भी इनको वोट किया होगा, इंडियन तमिल्स ने किया होगा, श्रीलंकन तमिल्स ने किया होगा, सबने इनको वोट किया होगा। वो अलग बात है कि ये जो एक पार्टी बनी, ये पार्टी में मेन सिन्हाला ज्यादा थे इसलिए इन्होंने अपनी सिन्हाला सुप्रीमेसी, सिन्हाला सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, पावर में आते ही इन्होंने क्या किया, दे मेड सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म एज अ ऑफिशियल रिलीजन। चार आपने टर्म्स याद रखनी है इसमें। सिन्हाला सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, व्हेन दे वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स केम इनटू पावर 1956 में उन्होंने एक एक्ट, एक्ट जो मतलब एक लॉ बनाया, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और दिस लॉ दे इंस्टॉल्ड सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक कंसेप्ट आता है इसमें मेजोरिटेरियनिज्म। क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म, जब एक पार्टी या एक ग्रुप मेजोरिटी में आता है, दे वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, और वो माइनॉरिटी को एक तरफ करके अपने सेल्फिश मोटिव्स, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, तो ऐसी थिंकिंग को क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। एक तरफ बेल्जियम में मॉडल अडॉप्ट किया गया एकोमोडेशन पाथ, दूसरी तरफ श्रीलंका में कौन सा पाथ अडॉप्ट किया, मेजोरिटेरियनिज्म। जिस कंट्री में मेजोरिटेरियनिज्म होता ना उस कंट्री में सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं, माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज ने कैसे सफर किया, उसके लिए आपको सबसे पहले परसेंटेज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज क्या है। ऑब्वियसली ये मेजोरिटी है तो हमने ज्यादा ही बताएंगे ना, हम बताएंगे 74% क्या थे, सिन्हालास। 74% श्रीलंका की पॉपुलेशन का जो पार्ट था दे स्पोक सिन्हालास, ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पे बुद्धिस्ट, देवर बुद्धिस्ट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज और अपने रिलीजन को फॉस्टर किया। फॉस्टर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद 74 के बाद 18% को आप डिवाइड करोगे 13 एंड 5, 13% थे श्रीलंकन तमिल्स,
श्रीलंकन तमिल्स का मतलब होता है श्रीलंका के नेटिव, नेटिव का मतलब वहां के जो ओरिजिनली वहां के लोग हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज सिन्हाला नहीं थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी, तमिल। 5% जो 5% थे वो थे इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो इंडियन तमिल जो हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री से श्रीलंका चले गए होंगे उनके फोर फादर्स और वो वहीं पे रहे थे, वो इंडिया से, इंडिया से यानी कि उनकी जो रूट्स थी ओरिजिनल फैमिलीज थी वो इंडिया से थी, लैंग्वेज उनकी तमिल थी और इसीलिए उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। उनकी परसेंटेज कितनी, 18। टोटल 18 में तमिल, तमिल कितने हो गए 18, 13 श्रीलंकन तमिल एंड 5 इंडियन तमिल। ये दोनों ही तमिल्स दोनों ही थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, यानी कि जो तमिल्स है ना, तमिल्स में कुछ सम पीपल दे स्पोक दे वर हिंदू एंड सम वर मुस्लिम्स, ठीक है, ये ग्रुप अलग हो गए। इसके बाद 7%, 7% कौन थे, क्रिश्चनरीज, क्रिश्चियंस जो थे। क्रिश्चियंस में सिन्हालाज भी थे, यानी कि कुछ ऐसे क्रिश्चियन थे, रिलीजन उनका क्रिश्चियन था, वो क्या बोलते थे, सिन्हालाज। बेसिकली क्रिश्चियन जो थे वो सिन्हालाज बोलते थे, लेकिन रिलीजन उनका बुद्धिज्म नहीं था, रिलीजन क्या था, रिलीजन क्या था वो क्रिश्चियंस। 1% अदर, अदर मतलब मिसलानियस, मिसलानियस में और भी रिलीजन आ जाते। तो मेन हमने टर्म याद रखनी है, 74% सिन्हालाज, 18% तमिल्स, 18 में 13 + 5, 13 हो गए श्रीलंकन तमिल्स, 5 हो गए इंडियन तमिल्स, 7% क्रिश्चियंस एंड 1% अदर। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हालास। अब एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किया गया। नंबर वन, ऑल द टॉप यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड रैंकिंग वॉज रिजर्व ओनली फॉर सिन्हालास। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर कोई क्रिश्चियन या इंडियन तमिल या श्रीलंकन तमिल फर्स्ट आता था, उसका रैंक नीचे हो जाता था। अगर उसका रिलीजन बुद्धिस्ट है, अगर उसकी लैंग्वेज मेन लैंग्वेज सिन्हाला है, तो ही वो आगे आता था। इवन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन सिर्फ सिन्हालास को दी गई और बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी, और जो भी जिसे हम कहते हैं फैसिलिटीज थी वो फैसिलिटीज ज्यादा सिन्हालास को और बुद्धिस्ट को दी गई, ठीक है। सेकंड मेन प्रॉब्लम क्या आई, एरिया के अकॉर्डिंग जिन एरियाज में श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स रहते थे, उन एरियाज में प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज नहीं थी। नो डाउट दे हैव इलेक्टेड सिन्हाला गवर्नमेंट, उन्होंने भी तो उनको वोट किया था ना, लेकिन जीत जाने के बाद इनकी तरफ जो है वो इग्नोर कर दिया, या इनके एरियाज को इग्नोर कर दी। एंड ड्यू टू दिस मैनी पीपल दे क्रिएटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैन से सिविल वॉर, रैलीज, अलग अलग एरियाज में प्रोटेस्ट किया गया। और ईयर अब मेन याद रखो, 1980s मतलब 1980 के बाद सबसे ज्यादा क्यूट कहते हैं या एक्यूट कह लो प्रॉब्लम या टेंशन जो है वो कब हुई, आफ्टर 1980s सिविल वॉर, इसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। सिमर प्रिय, सिविल वॉर क्या होती, सिविल वॉर क्या होती, राघव सिट प्रॉपरली, क्यों बात कर रहे हो उससे, बेंच आगे कर लो अपना, हाँ जी और आगे कर लो। सिविल वॉर का मतलब होता है कंट्री के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जब वॉर होती है, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर क्या होती, दो कंट्रीज के बीच में होती है, इसलिए हम इसको सिविल वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेन वॉर किसके बीच में हुई, सिन्हालाज एंड तमिल्स के बीच में। सिर्फ ये नॉन वॉयलेंट ही नहीं, वॉयलेंट भी हुआ था, मिलिटेंट एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एंड मेनी नंबर ऑफ पीपल दे किल्ड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, फ्रॉम सिन्हालास एज वेल एज फ्रॉम तमिल्स। लेकिन वेदर दे हैव अडॉप्टेड एनी काइंड ऑफ अकोमोडेशन पाथ, हाँ जी दक्ष, दे अडॉप्टेड एनी काइंड ऑफ अकोमोडेशन पाथ, यस और नो, नो। तो स्टिल देयर इज अ बुद्धिज्म इन श्रीलंका ऑफिशियल रिलीजन, Yes or no? Yes. Still there is a official language Sinhala. Hai na? Yes, it is. And what was the name of the state demanded by Tamils? Tamil Elam. E-L-A-M. Tamil Elam ka matlab hota hai area that is protected for only Tamils. Sinang. इसीलिए तमिल्स ने क्या किया कि हमें श्रीलंका में एक ऐसा एरिया दे दिया जाए जिस एरिया में सिर्फ तमिल विल वोट फॉर तमिल्स, ताकि उनकी अपनी गवर्नमेंट हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ और आज तक भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया,
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म पाप। तो कई बार क्या होता है, दोनों ही कंट्रीज कहने को, दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक है, बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक है और श्रीलंका भी, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ कंट्रीज आपस सिट प्रॉपरली बेटा, सिट अटेंटिवली, क्यों लेजी बन गए हो आप तो, अभी टेंथ क्लास में यंग जनरेशन हो आप ही ऐसे बैठे हो, बैंड होके क्यों बैठे हो? यस, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन गो टू मेडिकल रूम। हाँ जी, अब इसके बाद आपकी बुक में ना कुछ कार्टून्स होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो भी लर्न करने। तो आपकी बुक में एक कार्टून क्वेश्चन है जिसमें एक व्हीकल दिखाया गया है और इस व्हीकल में दो स्टीयरिंग है एंड दिस कार्टून, हाँ जी कीप क्वाइट, दिस व्हीकल इज रिलेटेड विद द जर्मनी, ये व्हीकल जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है। सूर्यांश स्टैंड अप, दो व्हीकल क्या जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई और बोले नहीं, हाँ जी मतलब व्हीकल एक है लेकिन उसमें स्टीयरिंग व्हील दो हैं, वो व्हीकल जो है आपने बुक पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर है, आपने रीडिंग कितनी बार की होगी ना, हाँ जी, क्या रिप्रेजेंट करते हैं दो स्टीयरिंग व्हील, क्या रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्टीज, वेरी गुड, टू पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बैठ जाओ, टू पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें दिखाया गया है कि एक स्टीयरिंग व्हील जो है, यानी कि वैसे देखा जाए तो व्हीकल जो है वो एक स्टीयरिंग व्हील से चलता है, लेकिन कई बार कंट्री में दो पार्टीज मिलकर, दोनों राइवल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट चलाएं, ऐसा हो सकता है? अगर मैं कहूं कि इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट चलाए, ना, नो, आप कहोगे नो, लेकिन जर्मनी में ऐसा हुआ, उसका एग्जाम्पल पार्टीज जो है वो देखो कौन कौन सी पार्टी। नंबर वन, इन जर्मनी टू पार्टी सिस्टम, फर्स्ट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, वो ये शो करता है कि दो स्टीयरिंग व्हील हैं, दोनों मिलकर कंट्री को चला रहे हैं। रीजन क्या होता है, अच्छा कंट्री में टू पार्टी सिस्टम हो और पार्टी में जब किसी को क्लियर कट मेजोरिटी ना मिले तो ऐसे में पार्टी क्या करेंगे फिर, अलायंस, अलायंस कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगी। जब किसी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम होगा, एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलेगी, इलेक्शन थोड़ी बार बार होते रहेंगे, फिर ऐसे में क्या होता है, टू पार्टीज विल ज्वाइन हैंड्स एंड विल फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट। और ऐसी कोलिजन गवर्नमेंट जर्मनी में बनी, इसलिए उस कार्टून में दिखाया गया है दो स्टीयरिंग व्हील, यानी कि दो पार्टीज मिलकर कंट्री को चला रही, ठीक है। और फर्स्ट है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट ऑन द नेम ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सजल, भूमिका तृप्ति यशित। हाँ जी, अर्लियर दीज पार्टीज वर राइवल, पहले ये पार्टीज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, सेकेंड सोशलिस्ट या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और कौन से ईयर में ये पार्टीज ने आपस में मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, 2005, when no party get clear cut majority, then both parties join hands to form coalition government. और ये कार्टून दिखाता है कि जब टू पार्टी सिस्टम में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती तो कई बार दो पार्टीज मिलकर भी कंट्री को चलाती हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब आ जाओ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, नेक्स्ट टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगर तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ना, तो मैंने आपको 5 मार्क्स अकॉर्डिंग अलग अलग करवाया था ना, प्रूडेंशियल रीजन है, मॉरल रीजन है, इनइक्वालिटी को जो है वो रिमूव करता है, रिजर्वेशन देता है, अलग अलग सेक्शंस को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को जो है वो प्रॉपर इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है पावर शेयरिंग। लेकिन अगर कई बार कुछ टर्म्स आ जाती हैं, मेन टर्म आपने कौन सी याद रखनी है, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, बेसिस ऑन गेन एंड लॉस। प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या है, बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंट्री में पावर शेयरिंग को कंपेयर करें ना, बेल्जियम और श्रीलंका में गेन और लॉस की बात करें तो कौन सी कंट्री गेन में रही, कौन सी कंट्री लॉस में रही, बेल्जियम, क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग दी, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की। तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मतलब होता है पावर शेयरिंग होनी चाहिए,
इसका प्रोडेंशियल रीजन क्या है? बिकॉज पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस. इफ मोर पावर शेयरिंग विल बी गिवन, मोर गेन विल बी इन द कंट्री. इफ लेस पावर शेयरिंग विल बी गिवन, देन लॉस विल बी इन द कंट्री. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. ठीक है. और नेक्स्ट है, पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम. बेटर आउटकम का मतलब होता है बेटर रिजल्ट. जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना किसी कंट्री में लोगों के बीच में यूनिटी रहेगी. और बेस्ट आउटकम का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट. गवर्नमेंट जो भी लोगों के लिए करेगी उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, बेटर आउटकम. ठीक है. एंड ये वर्ड इससे भी एसोसिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि इन दिस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज प्रूडेंशियल और मॉरल. क्या आएगा? प्रूडेंशियल रीजन. रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी. पावर शेयरिंग, जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए. तो आपने अच्छी तरह से प्रूडेंशियल वाला पैराग्राफ पढ़ना है. उसमें जो जो भी स्टेटमेंट्स हैं, आपको उससे स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट आ सकती हैं और उनमें से कोई भी एक डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट आ सकती है. तो आपने इसे उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी पावर शेयरिंग जो है वो प्रूडेंशियल का पार्ट नहीं है. वो तभी होगा जब अच्छी तरह से आप उसको रीड करोगे. नेक्स्ट आ जाओ, मॉरल रीजन. सेकेंड इज मॉरल. फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मॉरल. व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. मॉरल का मतलब होता है डेमोक्रेटिक आइडियाज, मॉरेलिटी. मॉरेलिटी क्या कहती है? ऑल शुड बी गिवन इक्वल. डेमोक्रेसी क्या कहती है? गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. पीपल मतलब सारे, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं. तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो मॉरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेसी की मॉरल वैल्यूज को और ज्यादा इनकरेज करती. सो इन दिस वे वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो दो रीजन मेन याद रखो, प्रोडेंशियल एंड मॉरल. ठीक है. प्रोडेंशियल का मतलब होता है रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस. थर्ड इज बेटर आउटकम देती है. लेकिन मॉरल की बात करें तो मॉरल जो है दैट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है. जहां पे डेमोक्रेसी वर्ड आ गया उसके लिए आप प्रोडेंशियल को टिक नहीं करोगे. उसके लिए किसको टिक करोगे? मॉरल, मॉरल रीजन. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू एंड. बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो? व्हाट हैपेंड?